देश के अब तक के सबसे खास बजट, जिन्हें आज भी किया जाता है याद। आम बजट जानिए कैसे बन गए खास। अब तक सबसे खास हैं ये पांच बजट, जिन्होंने खूबियों के लिए चर्चा बटोरी। रोचक जानकारी सभी को जाननी चाहिए। देश के आम बजट को लेकर हर किसी की कोई ना कोई उम्मीद बंधी होती है, हर किसी की निगाहें उस पर होती हैं। इस साल 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए जाने वाले आम बजट पर भी देशवासियों की उम्मीद भरी निगाहें टिकी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के कुछ आम बजट ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने खूब चर्चा बटोरी है। इन बजटों में आम आदमी के लिए तो कुछ तो बेहद खास था, जिसे जानना हम सब के लिए जरूरी है। आज हम बात करेंगे देश की पूर्ववर्ती सरकारों के उन पांच बजटों की, जिन्हें उनकी खूबियों के लिए आज भी याद किया जाता है। ये भी बताते चले कि इन ऐतिहासिक बजटों को इनके कार्यों की वजह से अलग अलग नामों की संज्ञा तक दी गई है। सबसे पहले ब्लैक बजट। ये बजट वर्ष 1973 में इंदिरा गांधी सरकार में प्रस्तुत किया गया था। वित्त मंत्री यशवंत राव बिचवाड़ ने इसे पेश किया था। इसे ब्लैक बजट का नाम दिया गया क्योंकि उस समय भारत गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहा था, जहां राजकोषीय घाटा 550 करोड़ रुपए था। वो दौर अर्थ के मामले में भारत का सबसे बुरा दौर माना जाता है। आपको बता दें कि ये बजट 550 करोड़ रुपए के घाटे का था। ये उस समय तक का सबसे बड़ा बजट घाटा था। दूसरा, उदारीकरण बजट। वर्ष 1991 में देश के तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने जो बजट पेश किया था, उसे उदारीकरण बजट के रूप में जाना जाता है। इस बजट की खास बात ये थी कि विदेशी कंपनियों को भारत में कारोबार करने की खुली छूट दी गई थी, जहां से भारत के उदारीकरण के दौर की शुरुआत मानी जाती है। वहीं दूसरी ओर, इस बजट के जरिए ही भारतीय कंपनियों का विदेश में व्यापार करना आसान हुआ था। आर्थिक उदारवाद की शुरुआत के लिए नियमों में भारी बदलाव किए गए थे। तीसरा बजट, ड्रीम बजट। वर्ष 1997 में इस बजट को वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की ओर से पेश किया गया था। इस ड्रीम बजट में इनकम टैक्स और कंपनी टैक्स में बड़ी कटौती का ऐलान किया गया था। साथ ही सरचार्ज को खत्म करके आमजन को बड़ी राहत दी गई थी। इस बजट में सरकार ने वॉलंटियरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम स्कीम लॉन्च की थी। इसके साथ ही कॉर्पोरेट टैक्स पर सरचार्ज घटा दिया गया था। इन सब के कारण देश की इकोनॉमी पर काफी असर पड़ा था, जिस वजह से इसे ड्रीम बजट कहा गया था। ड्रीम बजट का सबसे बड़ा दीर्घकालिक प्रभाव आयकर संग्रह पर पड़ा, जो वर्ष 1997 में 18,700 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2013 में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया। चौथा बजट, मिलेनियम बजट कहलाया। वर्ष 2000 में इस बजट को तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने पेश किया था। इस बजट की खास बात ये थी कि इस बजट में आईटी कंपनियों को राहत दी गई थी, जिसमें कंप्यूटर, सीडी आदि पर कस्टम ड्यूटी को काफी कम कर दिया गया था। इस कारण इसे मिलेनियम बजट नाम दिया गया था। इस बजट में तत्कालीन सरकार ने 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई पर अतिरिक्त 5% की सरचार्ज लगाया था। ये कारगिल टैक्स के तौर पर लगा था। पांचवा, रोल बैक बजट। वर्ष 2002 में पेश हुए इस बजट को रोल बैक बजट कहा जाता है। इसे उस समय के वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा की ओर से संसद में पेश किया गया था। इस बजट में शामिल कई प्रस्तावों के विरोध के चलते वित्त मंत्री द्वारा इन्हें वापस लेना पड़ा था। इसी वजह से इसे रोल बैक बजट का नाम दिया गया था। आपको बता दें कि इस बजट में एलपीजी, सर्विस टैक्स, सिलेंडर आदि के दामों को बढ़ाया गया था, जिसका देश भर में जबरदस्त विरोध देखने को मिला था।